तो आज मैं खिचड़ी बनाने जा रहा हूँ। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ कप दाल और हाफ कप चावल। चावल और दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से, और धो के यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है कैटल के अंदर। चावल और दाल और पानी एक साथ मैंने डाल दिया है। मैं एक जन के हिसाब से बना रहा हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो मैंने हाफ कप दाल और हाफ कप चावल का यूज़ किया है। तो इसी के साथ हम थोड़ा सा सब्ज़ी भी मिलाएंगे। सब्ज़ी में मैंने लिया है यहाँ पे एक गाजर लिया है छोटा सा, तो उसको मैंने काट लिया है, और मैंने लिया है एक टमाटर, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और मैंने लिया है एक आलू। तो हम सब्ज़ी भी डालेंगे खिचड़ी में। तो चावल दाल मैंने कैटल के अंदर डाल दिया है। अभी क्या करेंगे, कैटल का स्विच यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है। चावल और दाल में हल्का हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है, तो अभी हम इसी में सब्ज़ी डाल देंगे। सारा सब्ज़ी एक साथ डाल देंगे। ये आलू डाल रहा हूँ मैं, इसी के साथ टमाटर भी डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक को मिला देंगे। अभी डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर को भी मिला देंगे। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इसको भी मिला देंगे। साथ ही साथ हम डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला आप ज़रूर यूज़ करना, इससे क्या होता है खिचड़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गरम मसाले को भी मिला देंगे। तो दोस्तों, अगर बीच बीच में आपको लगे कि नीचे से लग रहा है, तो आप चम्मच से थोड़ा सा मिला दीजिए नीचे की तरफ थोड़ा सा, और अगर लगे कि आपका पानी सूख रहा है, तो आप इस पर पानी भी डाल सकते हो बीच बीच में। और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये कैटल का स्विच ऑफ करके रखें, क्योंकि नहीं तो आपके ऊपर छींटे आ सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करके रखा है। तो दोस्तों, खिचड़ी जो है वो बन के रेडी हो गया है। और खिचड़ी बनाते टाइम आप दो चीज़ का ध्यान रखें, इसको बार बार आप नीचे से हिलाते रहे चम्मच से, नहीं तो करछी से आप हिलाते रहिए, ताकि नीचे ना लगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगे कि खिचड़ी थोड़ा सा टाइट होने लग गया है, पानी सूखने लगा है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी मिला सकते हैं। तो मैंने बीच में थोड़ा सा पानी मिलाया था, तो आप चाहो तो आप मिला सकते हो। और अभी खिचड़ी बन के रेडी हो गया है, मैं आपको प्लेट में लेके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो खिचड़ी बन के रेडी हो गया है, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाता हूँ। ये देखिए टेक्सचर इसका, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। इसमें वेजिटेबल डाला हुआ है, ये हेल्दी भी होता है साथ ही साथ। और मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।